हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। आज मैं आपके लिए बहुत ही सुंदर मोटिफ डिज़ाइन लेके आई हूँ। पहले तो हम बनाएंगे जो मैजिक रिंग बनाते हैं, इसमें हमने 3 चेन लेके यहाँ पे डबल क्रोशेट बनाएंगे। और जो मेरे चैनल पर पहली बार आए, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना और मेरे 100 सब्सक्राइब कंप्लीट करने में भी सपोर्ट करना। जिन्होंने तो लाइक कर दिया उनका धन्यवाद। अब ये देखिए, मैंने 16 डबल क्रोशेट बनाए हैं इस पे मैजिक रिंग में, और धागा खींच के हमने इसे ऐसे ज्वाइन कर लेना है स्लिप स्टिच से। ठीक है, ये हमने ज्वाइन कर लिया। यहाँ पे 16 डबल क्रोशेट बनाए हमने। अब हम यहाँ पर लेंगे 3 चेन, 1 2 3 चेन लेंगे। ये हमारी रो 1 है, ध्यान से देखना। रो 1 है जहाँ पे 3 चेन लिए, उसी में हमने एक डबल क्रोशेट बना लेंगे। फिर नेक्स्ट में 2 डबल क्रोशेट टुगेदर इन ईच स्टिच। हर एक स्टिच में हमने 2 डबल क्रोशेट बनाने हैं इकट्ठे, 2 डबल क्रोशेट टुगेदर। फिर से बताती हूँ, रो 1 में 2 डबल क्रोशेट बनाने टू गैदर इन ईच स्टिच। ठीक है, 2 डबल क्रोशेट बनाने हर एक स्टिच में, और टोटल हमारे हो जाएंगे 32 डबल क्रोशेट। ये कंप्लीट होने के बाद हमने इसे यहाँ पे जो स्लिप स्टिच होता है उसके साथ ऐसे ज्वाइन कर लेंगे। ये हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई है, ये 32 डबल क्रोशेट बन गए। अब हमने 1 2 3 चेन लेंगे। यहाँ से हमारी रो 2 स्टार्ट होगी। एक स्टिच को स्किप करके नेक्स्ट स्टिच में हमने इसे सिंगल क्रोशेट ऐसे बना लेंगे। फिर से हमने 1 2 3 चेन लेंगे। फिर एक स्टिच को स्लिप करके नेक्स्ट स्टिच में सिंगल क्रोशेट बना लेंगे। 1 2 3 चेन लेंगे और एक स्टिच को स्किप करके नेक्स्ट स्टिच में बनाएंगे। मतलब स्किप 1 स्टिच, ये सिंगल क्रोशेट। ये हमारी रो 2 सारी ऐसे ही बनेगी। जो हमारी रो 2 है, मैजिक रिंग को छोड़ के हमने रो 1 बनाई थी, और ये रो 2 है हमारी। 3 चेन बना के एक स्टिच को छोड़ के नेक्स्ट में हमने सिंगल स्टिच बनाना है। ये ऐसे बनाना है हमने, रो 2 में सारा ऐसे बनाएंगे। ये रो 2 कंप्लीट होगी और इसमें हमारे ये 16 लूप बनेंगे जो हमने बनाए थे। 16 लूप बनेंगे और इसको यहाँ पे हमने ज्वाइन कर देना है स्लिप स्टिच के साथ। ये हमारी रो 2 भी कंप्लीट हो गई है। हम ज्वाइन कर रहे हैं स्लिप स्टिच के साथ। ये रो 2 कंप्लीट हो गई हमारे, 16 लूप बन गए। अब हमने फिर से 3 चेन लेनी है। ये हमारे 16 है, इसको काउंट कर लेना। 1 2 3 चेन लेंगे। अब यहाँ से हमारी रो 3 स्टार्ट हो जाएगी। ध्यान से देखना, बिना स्किप करके एंड तक वॉच करना, तभी अच्छे से समझ आएगा। अब हमने यहाँ पे 1 2 3 और 4 डबल क्रोशेट लेके फिर हमने 2 चेन बनानी बीच में। 4 डबल क्रोशेट टुगेदर इकट्ठे लेने हमने, फिर 2 चेन बना के फिर से हमने 4 डबल क्रोशेट टुगेदर। इसको ध्यान से देखते रहना, बिना स्किप करके, बहुत ही सुंदर डिजाइन है। ये देखिए, 4 डबल क्रोशेट टुगेदर, फिर 2 चेन, 4 डबल क्रोशेट टुगेदर। अब हमने ये जो हमारा ये लूप है एक, इसको हमने स्किप कर देना है। स्किप कर देना वन लूप, फिर नेक्स्ट लूप में बनाने हमने 4 डबल क्रोशेट। ये बनाया है मैंने, इतना बना लिया। फिर और आगे से बताती हूँ आपको। इसको हमने स्किप कर देना और ये नेक्स्ट में डालना है हमने 4 डबल क्रोशेट। 1 2 3 फिर 4 डबल क्रोशेट, फिर 2 चेन, 1
two chain, let's say four double crochet together. 1 2 3 or here 4 double crochet together. ये ऐसे बनाएंगे हमें, ये रो 3 हमारी सारी ऐसे ही बनेगी। ये रो 3 हमारी कंप्लीट हो गई है। ये सारा बनने के बाद हमने इस पीसेस को स्लिप स्टिच के साथ इसको ज्वाइन कर देना है। यहाँ से इसको स्लिप स्टिच के साथ ज्वाइन कर देंगे, स्लिप स्टिच के साथ इसको हम ज्वाइन कर देंगे। ये देखिए कितना प्यारा, इतना भी आप इसको रख सकते हैं, बहुत प्यारा लगता है। और फिर से हमने 1 2 3 चेन लेंगे। अब ये हमने रो 4 है ये हमारी, ये एक डबल क्रोशेट को छोड़ के, वन को छोड़ के सेकंड में हमने 1 डबल क्रोशेट, फिर नेक्स्ट में ध्यान से देखना इसको, फिर डबल क्रोशेट, 1 2 डबल क्रोशेट हो गए। अब हमारा इसके अंदर हमने 2 डबल क्रोशेट टुगेदर, 1 2 डबल क्रोशेट टुगेदर, 1 2 चेन, 2 डबल क्रोशेट टुगेदर, 2 डबल क्रोशेट, 2 चेन, फिर 2 डबल क्रोशेट टुगेदर। अब नेक्स्ट में हमने 1 डबल क्रोशेट, फिर नेक्स्ट में 1 डबल क्रोशेट, ये ऐसे बनेगा। इसको ध्यान से देखते रहना, एक बार फिर से रिपीट करके बताती हूँ आपको। ये हमारा ये जो 1, ये इसको छोड़ के ये जो दिखाई दे रहे हैं ना हमारे, ये 1 को स्किप करके नेक्स्ट में 1 डबल क्रोशेट, फिर नेक्स्ट में 1 डबल क्रोशेट, फिर 2 डबल क्रोशेट टुगेदर, 1 2 डबल क्रोशेट टुगेदर, 1 2 चेन, फिर इसी के अंदर सेम प्लेस 2 डबल क्रोशेट टुगेदर, सेम स्टिच पे 2 डबल क्रोशेट टुगेदर, फिर नेक्स्ट 1 डबल क्रोशेट, नेक्स्ट 1 डबल क्रोशेट, ये ऐसा बनेगा। ध्यान से देखते रहना इसको बिना स्किप करके, बहुत ही सुंदर लगता है, इसको ट्राई जरूर करना। इसको ध्यान से देखते रहना, ये हमने फिर से एक बार आपको बताती हूँ यहाँ पे कैसे करना है। इसको एक को स्किप करके नेक्स्ट में डबल क्रोशेट, और प्लीज़ मेरी सपोर्ट करो मेरे चैनल को ग्रो करने में, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना मेरे चैनल को, और अपना नाम लिख के भेजना है कि आप कौन सी जगह से हैं, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका नाम लूँगी कि कौन सी जगह से मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं और कौन कर रहे हैं, मैं उनका नाम भी अनाउंस करूँगी। कमेंट करके बताना कि आपको मेरे वीडियो कैसे लगते हैं। ये देखिए इसको ध्यान से देखते रहना है, ऐसे बनाया हुआ सारा। आप किसी भी कलर से बना सकते हैं, ये पिंक कलर में बहुत प्यारा लग रहा है, डार्क पिंक है। आप किसी भी कलर पर इसको ट्राई कर सकते हैं, बहुत सुंदर लगता है, हर कलर पर बहुत अच्छा लगता है ये। अब यहाँ पे हमने ज्वाइन कर लेना स्लिप स्टिच से, अभी हमारे नेक्स्ट हमने ये सिंगल क्रोशेट बनाना सारा, ये सिंगल क्रोशेट बनाना। और हमने रो 5 है हमारी, ये रो 5 में हमने सारा सिंगल क्रोशेट बनाते जाना है इसको। इसको तो चाहे आप स्किप भी कर सकते हो, बना भी सकते हो, और अगर नहीं बनाना चाहते तब भी ठीक है, बना लोगे थोड़ी और अच्छे से शेप आ जाएगी।
ये देखिए मैंने बना लिया, और ये बहुत सुंदर लगता है। ओके, थैंक्स टू वॉच माई वीडियो।